दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी तट पर केप टाउन से लगभग 250 किलोमीटर के फासले पर छोटा सा टापू है जिसका क्षेत्रफल 25 वर्ग किलोमीटर भी नहीं है। अपने जबरदस्त तूफानों के लिए बदनाम अटलांटिक महासागर की बड़ी बड़ी लहरें इस अलग थलग मौजूद दुर्गम चट्टानी इलाके पर थपेड़े मारती रहती हैं। ये है बर्ड आइलैंड, दक्षिण अफ्रीका में ये सिर्फ समुद्री परिंदों से आबाद सबसे उत्तरी टापू है और ये पूरी दुनिया में गैनेट के प्रजनन वाली महज 6 कॉलोनियों में से एक है। ये परिंदे हर साल अगस्त में यहाँ आते हैं और 10 महीने तक यहीं रहते हैं। वो सर्दी के महीनों में यहाँ से चले जाते हैं क्योंकि उस समय समंदर में खतरनाक उफान आने लगता है। मिलन करने और अंडे देने के लिए ये गर्मी के महीनों में यहाँ जमा होते हैं। जमीन पर डगमगाते हुए चलने वाले केप कैरेट का शरीर भारी और बुलेट के आकार का होता है। इसकी गर्दन लंबी और सिर सरीसृपों की तरह पतला होता है जिसमें अजीब लगने वाली नीली आंखें और पैनी चोंच होती है। फिसलने वाली मछलियों को पकड़ने के लिए इनकी चोंच का किनारा आरीदार होता है। इनके खूबसूरत सफेद पंख और इनका सुनहरे रंग का सिर पूरी तरह से वाटरप्रूफ है। बर्फीले पानी में पैरों को गर्म करने के लिए उस पर खून की नलियों का जाल होता है जिससे वो हरे नीले रंग के दिखते हैं। अंडों को सेने के लिए ये उन्हें अपने पैरों के नीचे रखते हैं। गैनेट की इतनी बड़ी तादाद यहाँ आने वाले लोगों के लिए एक बड़ा आकर्षण है। बर्ड आइलैंड दक्षिण अफ्रीका में इनकी सबसे बड़ी कॉलोनी है। गर्मी के महीनों में लोग पुराने बंदरगाह की दीवारों पर रोज आते जाते रहते हैं लेकिन जाड़े में उन्हें टापू पर आने की इजाजत नहीं है। टापू को मुख्य भूमि से जोड़ने वाला ये रास्ता इस समय अक्सर तेज तूफानों की वजह से समुद्र के पानी में डूबा रहता है। मौजूद बर्ड हाइड इन कमाल के परिंदों को देखने के लिए बिल्कुल सही जगह है। जाड़े में लहरें इस इमारत की आधी ऊंचाई तक पहुंच जाती हैं और ये यहाँ आने वाले लोगों और जीव जंतुओं दोनों के लिए खतरनाक हो सकता है। गैनेट की ये प्रजनन करने वाली अकेली ऐसी कॉलोनी है जो मुख्य भूमि से जुड़ी हुई है और लोग आसानी से यहाँ आकर इन कमाल के परिंदों को देख सकते हैं। उन्नीसवीं सदी का आखिरी दौर इस टापू पर मौजूद गैनेट कॉलोनी और इसके पास की सील नर्सरी के लिए बहुत नुकसानदेह साबित हुआ।
लोग यहाँ मौजूद सफेद सोना या ग्वानो यानी बोलचाल की भाषा में गैनेट की बीट हासिल करना चाहते थे। ये परिंदे मछली खाते हैं, इसलिए फॉस्फेट और नाइट्रेट से भरपूर इनकी बीट का इस्तेमाल इनका लोगों के जमाने से ही खाद के रूप में होता रहा है और पहले ये वाकई सोने जितनी ही कीमती थी। बीट की 20 मीटर मोटी और 10 टन वजन वाली परत के साथ ये जगह वाकई सोने की खदान जैसी थी। इस बेशकीमती बीट की वजह से परिंदों पर बहुत बुरा असर पड़ा। गैनेट अपनी बीट का इस्तेमाल अपने चूजों को खराब मौसम और शिकारियों से बचाने के लिए घोंसला बनाने में करते हैं। बीट को हटा लेने पर कई परिंदे मर गए या इस टापू से चले गए और गैनेट की तादाद बहुत कम हो गई। लेकिन अब गैनेट यहाँ लौट आए हैं और पिछले कुछ वर्षों से इनकी तादाद लगातार बढ़ रही है। इस टापू पर ढेर सारे जीव जंतु हैं। यहाँ केप गैनेट रहते हैं, कॉर्मोरेंट की एक छोटी सी कॉलोनी है और टापू के दूसरे छोर पर केप फर सील की भी एक नर्सरी। पहले इस टापू पर अफ्रीकन पेंगुइन भी बहुत आम थे, लेकिन खाने के भरोसेमंद स्रोत और घोंसला बनाने के लिए बीट की कमी की वजह से पेंगुइन यहां से चले गए। जनवरी खत्म होने को है और प्रजनन का मौसम लगभग पूरा हो गया है। अंडों से चूजे निकल आए हैं और उनके पंख भी आने लगे हैं। अब इन परिंदों को अपने जीवन के अगले चक्र के लिए यहाँ से रवाना होने के लिए तैयार होना चाहिए। गर्मी खत्म हो रही है और अभी पूरी तरह वयस्क नहीं हुए परिंदों को कॉलोनी से बाहर धकेला जा रहा है, जहाँ उन्हें उड़ना सीखना होगा। उड़ना सीखने के बाद वे अपने आप मछली पकड़ना सीखेंगे। नाकाम रहने पर वे भूखे मर जाएंगे। बचे हुए चूजे वयस्क होने पर इसी टापू पर लौटेंगे। गैनेट के लिए खुला समंदर बहुत महत्वपूर्ण है। ये इनका पेट तो भरता ही है, साथ ही चूजों के पलने बढ़ने के लिए भी ये बहुत अहमियत रखता है। वे टापू पर मौजूद अपने घर से रवाना होकर कई साल तक समंदर में रहते हैं। वहां वे सीखते हैं कि खाने की सबसे बढ़िया सप्लाई कहाँ है और हवा और समंदर में कैसे बदलाव आता है। वयस्क होने पर प्रजनन के लिए इस टापू पर लौटने पर ये सभी जानकारियां इनके काम आएंगी। यहां गैनेट बड़ी बड़ी कॉलोनियों में रहते हैं, जिनमें इनकी तादाद हजारों में हो सकती है। आज यहां प्रजनन करने वाले 5,000 से ज्यादा जोड़े मौजूद हैं। ये साल दर साल प्रजनन के लिए यहीं आते हैं और बीट की एक और परत छोड़ जाते हैं, जिससे घोंसला बनाने लायक टापू की एकमात्र समतल सतह ढक जाती है।
इस शोर मचाते झुंड में बच्चों और पूरी तरह वयस्क नहीं हुए परिंदों को आसानी से पहचाना जा सकता है। उनके पंख गहरे रंग के हैं, वे अभी पूरी तरह सफेद नहीं हुए हैं, और बड़े बच्चों के पंखों पर वयस्कों की तुलना में ज्यादा काला रंग है। ठसा ठस भरी इस जगह पर आपस में आक्रामकता को कम करने के लिए इन्होंने कई तरह की गतिविधियां भी विकसित कर ली हैं। गैनेट के जोड़े को अक्सर एक दूसरे से चोंच रगड़ते हुए देखा जा सकता है। ये पार्टनरों के बीच तनाव कम करने का तरीका है। जोड़ा अक्सर एक दूसरे की साज संवार करता है, जो दोनों परिंदों को आपस में संतुष्ट रखने का एक और तरीका है। अपनी खास स्थिति के कारण ये टापू गैनेट के प्रजनन के लिए बिल्कुल सही जगह है। अटलांटिक महासागर की तेज हवाएं और धाराएं मछलियों की कई प्रजातियों को यहां पहुंचा देती हैं, जिससे ये जगह इनके बसने और चूजों को पालने के लिए सबसे अच्छी साबित होती है। और हवा के आने की दिशा में मौजूद ये चट्टाने गैनेट को अटलांटिक महासागर के उफान से बचाती है। शायद मछली पकड़ने के लिए रवाना होने की तैयारी में घोंसले से निकलकर लैंडिंग स्ट्रिप की ओर जाने वाला परिंदा अपनी चोंच को ऊपर उठाकर पंख फड़फड़ाता है। ये दूसरे परिंदों के लिए साफ संकेत है कि वो कोई घुसपैठिया नहीं है और किसी को चिंतित होने की जरूरत नहीं है। गैनेट के 2 मीटर से भी ज्यादा फैलाव वाले पतले लंबे पंख और इनकी खूबसूरत उड़ान के साथ साथ शिकार करने की इनकी कमाल की तकनीक और इनका सामाजिक व्यवहार इन्हें इतना दिलचस्प बनाता है। गैनेट बहुत मिलजुल कर रहने वाले परिंदे हैं। इनकी कॉलोनी से काफी दूर से ही आप इनकी आवाज सुन सकते हैं। मछली पकड़कर लौट रहे परिंदे अपने साथियों को बताते हैं कि वो लौट आए हैं, और टापू से रवाना हो रहे परिंदे अपने साथियों को बताते हैं कि वो जा रहे हैं। पास मौजूद सील कॉलोनी लहरों के टकराने की तेज आवाज और गैनेट के शोर शराबे की मिलीजुली आवाजें पूरे टापू पर हमेशा गूंजती रहती हैं। गैनेट की हर गतिविधि असल में एक दूसरे तक अपनी बात पहुंचाने का जरिया है, जिसमें झुकने, पंख फैलाने, गर्दन घुमाने और चोंच लड़ाने तक के तरीके शामिल हैं। कॉलोनी के भीतर इन अलग अलग गतिविधियों का बहुत महत्व है, और समंदर से टापू पर लौटने पर गैनेट आवाजों से एक दूसरे को पहचानते हैं। गैनेट की सबसे नजदीकी पड़ोसी केप फर सीले अटलांटिक महासागर में केल्प की तहों में अपनी रोज की गतिविधियों में लगी हुई है। लहरों में गोता लगाती सीलों पर गौर करने पर एक अनोखा नजारा सामने आता है। तैरते समय ये अपने फ्लिपर या फिर अपने टेल फ्लूक हवा में ऊपर उठाए रखती हैं। इसे सेलिंग कहते हैं, और गर्म मौसम में सीलें खुद को इसी तरीके से ठंडा रखती हैं।
नन्ही सीलें अभी गर्मी से राहत के लिए खुले समंदर में नहीं जा सकती, इसलिए ये उभरी हुई चट्टानों से घिरे एक जल कुंड में खेलते हुए सुरक्षित माहौल में तैरना और मछली पकड़ना सीख रही है। इतनी खुली कुदरती जगह पर गैनेट और सीलों को हवा और समंदर से बचाव के लिए चट्टानों की हिफाजत की जरूरत पड़ती है। इसी वजह से गैनेट अपना घोंसला बनाने के लिए टापू के बीच की समतल जगह को पसंद करते हैं। इस सकरी तट रेखा पर किसी और जगह पर इस तरह की चट्टानें नहीं हैं। ये चट्टानें कई सदियों से कुदरत की ताकतों के सामने सीना ताने खड़ी हैं। ये इतनी मजबूत है कि तूफानों को भी झेल सकती है और ये इस इलाके में रहने वाले जीव जंतुओं की कई और प्रजातियों के लिए भी एक बड़ा आकर्षण है। अफ्रीकन या जैकएस पेंगुइन सिर्फ दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया की तट रेखाओं पर रहता है और गैनेट और यहाँ के दूसरे समुद्री परिंदों की तरह ये भी मछलियों का शिकार करता है। अफ्रीकन पेंगुइन तैरने में माहिर होते हैं और खाना ढूंढने के लिए एक बार में 72 किलोमीटर तक जा सकते हैं। बर्ड आइलैंड पर गैनेट के साथ केप और क्राउन कॉर्मोरेंट की भी एक छोटी सी कॉलोनी है, जिन्हें समुद्री पक्षियों की दुनिया में मछली पकड़ने में उस्ताद माना जाता है। ये परिंदे भी सार्डिनों के झुंड से अपना पेट भरते हैं और ये बीट से बने चबूतरों या चट्टानी दीवारों पर अपने बड़े बड़े घोंसले बनाते हैं। इन टावरों से इन्हें गर्मी के दिनों में मुख्य भूमि से वॉकवे के जरिए यहाँ तक आने वाले जमीनी शिकारियों जैसे बिल्लियों, पालतू कुत्तों या सियारों से सुरक्षा मिलती है। अफ्रीका के दक्षिण पश्चिमी तट पर ज्यादातर लंबे रेतीले बीच है, इसलिए प्रजनन करने वाले परिंदों के लिए बर्ड आइलैंड की सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ ये मौसम की मार और शिकारियों से सुरक्षित रहते हैं। तेज हवाओं और उफनते समंदर की वजह से बर्ड आइलैंड पर मौसम बहुत खराब हो सकता है। अफ्रीका का ये तट तूफानों के लिए बदनाम है। यही तूफानी मौसम समंदर की तेज धाराओं और कई तरह की मछलियों को भी इस तट के पास पहुंचा देता है, जिससे यहां उन चीजों की भरमार हो जाती है जिसकी परिंदों को सबसे ज्यादा जरूरत होती है।
यहाँ हवा जैसी बुनियादी कुदरती ताकत भी है जो गैनेट के लिए बहुत अहम है। ये परिंदे भारी भरकम होते हैं और ये टापू पर ऊंची चट्टानों से घिरे सबसे समतल इलाके में रहते हैं। चौड़े पंखों वाले गैनेट को ऊपर उठने के लिए हवा की जरूरत होती है। सिर्फ वयस्क परिंदे ही ठीक से उड़ सकते हैं और तब भी इनके उड़ान भरने तक की प्रक्रिया बहुत अजीब लगती है। देर से आने वाले और मछली पकड़कर लौट रहे परिंदे कॉलोनी के किनारों पर चक्कर काटते रहते हैं। कॉलोनी के सबसे छोटे चूजों को बीच में रखा जाता है और ये उनकी हिफाजत का एक तरीका है। इससे शिकारियों के उनके पास पहुंचने का खतरा कम हो जाता है। गैनेट खाना ढूंढने के लिए काफी लंबी दूरी तय करते हैं। प्रजनन के मौसम में वयस्क आम तौर पर अपने घोंसले से 480 किलोमीटर तक जा सकते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर ये 3200 किलोमीटर तक का सफर तय कर सकते हैं। अभी वयस्क नहीं हुए गैनेट इस टापू से 7200 किलोमीटर तक का सफर तय करेंगे। सार्डीन उनके भोजन का मुख्य स्रोत है और वो उनका पीछा करते रहते हैं। यहां कुछ और जीव भी हैं। ये समुद्री पक्षियों के लिए अपेक्षाकृत सुरक्षित जगह है। अपने सफेद पंख और काले सिर से पहचान में आने वाले बड़े केल्प सीगल साल भर बर्ड आइलैंड पर रहते हैं। ये किसी सुरक्षित जगह पर अपना ठिकाना बनाते हैं और मछली पकड़ने वाली नौकाओं की वजह से बंदरगाह पर आते हैं। ये भी गैनेट के छोटे चूजों और अंडों के लिए खतरा है क्योंकि ये उन्हें खा लेते हैं। सीगल टापू के चारों तरफ चट्टानों पर टिककर मुर्दाखोरी के मौके का इंतजार करते रहते हैं। ये गैनेट के अंडे या असुरक्षित चूजे को खा सकते हैं। ये ज्यादातर मछली पकड़ने वाली स्थानीय नौकाओं के कचरे से अपना पेट भरते हैं, लेकिन ये खुद भी मछलियों का शिकार कर सकते हैं। कॉलोनी के बाहरी छोर पर जमीन की एक साफ सुथरी पट्टी है जिस पर टूटे हुए सी शेल बिखरे हुए हैं। ये लैंडिंग स्ट्रिप परिंदों को दौड़कर उड़ने की सहूलियत देती है। पूरी तरह वयस्क नहीं हुए परिंदे मौका मिलते ही उड़ने का अभ्यास करने लगते हैं। उड़ने के लिए ये बड़े बड़े पक्षी हवा की दिशा में मुड़कर अपने पंख फड़फड़ाकर डगमगाते हुए दौड़ते हैं और ये नजारा वाकई कमाल का होता है। जब हवा धीमी या शांत हो तो भारी शरीर वाले इन परिंदों को उड़ान भरने में दिक्कत होती है, लेकिन हवा में पहुंचने के बाद इनकी उड़ान बहुत शानदार और खूबसूरत होती है। कॉर्मोरेंट भी टापू से जाने की तैयारी कर रहे हैं। इन्हें भी दक्षिण की ओर जा रही मछलियों के झुंड के पीछे जाना है। लेकिन मौसम तेजी से बदल रहा है
और यहाँ जल्दी ही सर्दी शुरू हो जाएगी। सर्दी में समुद्र में उफान आ जाता है और पूरा टापू ऊंची लहरों की चपेट में आने लगता है, जिससे यहाँ रहना नामुमकिन हो जाता है। प्रवास कर रही सार्डिन मछलियों के पीछे गैनेट भी अपने लंबे सफर की शुरुआत करेंगे। रवाना होने का वक्त पास आ रहा है और परिंदे बेचैन हो रहे हैं। तेज हवाएं उड़ान भरने में इनकी मदद करती हैं और तूफानी समुद्र और आसमान में छाए बादल इन्हें चेतावनी दे रहे हैं कि खुले समुद्र की ओर रवाना होने का वक्त आ गया है। यहाँ के सख्त हालात के बावजूद परिंदे हर साल यहाँ लौटेंगे, क्योंकि यहाँ ढेर सारी मछलियों के साथ इस टापू पर चट्टानों की हिफाजत और प्रजनन के लिए बिल्कुल समतल जगह भी उपलब्ध है। सर्दी आने के साथ ही समुद्र अशांत हो जाता है और हवा तेज होने लगती है। कॉलोनी के लिए ये सर्दी के दिनों में मुश्किल से मिलने वाले अपने शिकार की तलाश में निकलने का वक्त है। परिंदे सैकड़ों की तादाद में टापू से रवाना हो रहे हैं। हजारों किलोमीटर के सफर पर निकलते हुए इनकी तेज पुकारों से आसमान गूंज रहा है। कॉर्मोरेंट भी यहां से रवाना हो रहे हैं। सर्दी के महीनों के लिए इन्हें भी टापू से चले जाना चाहिए। यहाँ तक कि वो चूजे भी हजारों किलोमीटर के सफर के लिए तैयार हो रहे हैं जिनके पंख साल के इस समय यहाँ कीचड़ और नमी हो सकती है, लेकिन अभी समुद्र शांत है और इस समय ज्यादा तूफान नहीं आते। अभी तापमान 34 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने के साथ ही गर्माहट बढ़ने लगी है और घने झुंड में एक दूसरे के इतने करीब होने के कारण इन परिंदों के लिए खुद को ठंडा रखना बहुत अहम है। बैठ कर अपने
अपने सिर को ऊपर की ओर फैलाकर चोंच थोड़ी सी खोलकर गर्दन को धीरे धीरे झुकाते रहते हैं। इसे कूलर फैक्ट्री कहते हैं। ये इन परिंदों के लिए खुद को ठंडा रखने का एक तरीका है। ये तरीका ज्यादा जगह नहीं लेता, इसलिए इससे कोई दबाव या आक्रामकता नहीं होती और इसके जरिए ये परिंदे इस टापू की गर्मी से निपट पाते हैं। परिवार के लिए रोज मछली पकड़ने के लिए समंदर में जाने वाले वयस्क गैनेट चूजों का पूरा ख्याल रखते हैं। कई बार ये खाने की तलाश में तकरीबन 100 किलोमीटर तक चले जाते हैं और जरूरत पड़ने पर 3600 किलोमीटर तक का सफर करते हैं। सब कुछ इनके भोजन स्रोत यानी सार्डिन और पिलचर्ड मछलियों की उपलब्धता पर निर्भर करता है। ये आसानी से पता चल जाता है कि कौन से परिंदे मादा होता है और कौन नहीं। कॉलोनी के बीच में उतरने वाले परिंदे मादा होता है और घोंसले में इंतजार कर रहे अपने साथियों के पास लौट रहे हैं। सर्दी के महीनों में वो यहां से उड़कर जा सके। चूजे अपने माता पिता द्वारा उगी हुई मछली का मिक्सचर खाते हैं। वयस्क अपना ज्यादातर खाना बड़ी आसानी से तट के पास पकड़ लेते हैं। मछली पकड़ने के अभियानों के बीच कॉर्मोरेंट अपने शरीर को सुखाने के लिए चट्टानों का इस्तेमाल करते हैं।
इनके पंख वाटरप्रूफ होते हैं, लेकिन उन्हें ठीक ठाक रखने के लिए इन्हें लगातार उनकी साज संवार करनी पड़ती है। सीगल इन चट्टानों का इस्तेमाल चारों तरफ नजर रखने के लिए करते हैं, क्योंकि ये ज्यादातर मुर्दाखोरी से पेट भरते हैं। बड़े हो चुके चूजे अपनी पहली उड़ान के लिए कॉलोनी से रवाना होने से 10 दिन पहले वयस्कों से खाना लेना बंद कर देते हैं। उन्हें समुंदर में जाने को तैयार ये भूखे बच्चे जब उड़ान भरते हैं तो ये 3 साल तक यहाँ से नहीं रह सकते हैं, यानी जब तक उन्हें वयस्क होकर साथ में और केप कैलेट की अगली पीढ़ी को जन्म देने